देखिए मैं अब आप जैसे की पढ़ के आ रहे हैं समझिएगा, ये मुझे और आपको प्रॉफिट मालूम करना है कंपनी का, मुझे और आपको फॉर्म के मुझे और आपको फॉर्म के प्रॉफिट को मालूम करना है सर। प्रॉफिट को मालूम करने के लिए आसान सा फॉर्मूला सर लिख रहे हैं आपके सामने, वो फॉर्मूला क्या है सर? प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं सर? हम रेवेन्यू में से इकोनॉमिक्स के अंदर बात कर रहा हूँ, अकाउंटिंग में साइनर्जी अलग है सर। हम टोटल रेवेन्यू लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं, इसको प्रॉफिट आ जाए। टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को क्या करोगे? माइनस प्रॉफिट करा दे। मैं एक मार्कर बेचता हूँ, ठीक है, मेरा स्टेशनरी शॉप है, मैं ये मार्कर 50 रुपए का खरीद कर लाता हूँ, ठीक है, 50 रुपए मेरी कॉस्ट है। इस मार्कर को मैं 75 रुपए का बेचता हूँ, इस पे 25 रुपए का मेरा प्रॉफिट, दो बेचूंगा तो 50, चार बेचूंगा तो 100 रुपए प्रॉफिट, ऐसे आता चला है। तो सर अब ये प्रॉफिट जो है, ये हम दो तरीकों से इस प्रॉफिट को स्टडी करेंगे। एक देखेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, अभी परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, ऐसे बाहर निकले आपको दुकानें नजर आएंगे, इस तरफ चले जाए तो शोरूम नजर आएंगे, सारे लाइन से देखे अब यहाँ से नए खाली तो सैकड़ों की तादाद में शुरू, हर शोरूम में सैकड़ों 10-15-20 गाड़ियां खड़ी नजर आएंगे, मिला जाएंगे दूसरा स्टोर गाड़ी का स्टोर। मेरा और आपकी एयरटेल मार्केट से डिफरेंट है, कुछ होलसेल है, कुछ रिटेल है, कुछ डिफरेंट गुड्स की है, कहीं सर्विसेज है, कहीं गुड्स है, कुछ चीजें मिल रही है। अच्छा जहां मार्केट है वहां बायर सेलर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, चीजों को एक्सचेंज करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करेंगे, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे, यही होता है मार्केट। मार्केट में जितनी फर्म्स हैं सारी फर्म्स के दरमियान आपस में क्या है? कॉम्पिटिशन, मुकाबला है ना, कॉम्पिटिशन है नहीं। अभी जितने शोरूम वाले बैठे हैं इन सबका आपस में कॉम्पिटिशन है नहीं है। जब मैं अपनी जेब में यहां से निकलू 20 लाख रुपए लेकर, मेरे पास कितने ऑप्शन है? कई सौ तो दुकानें हैं खाली से इलाके में गाड़ी की, वो कहां से चले आप? कहां से चले सर? वो जो अल्लाह वाली चौरंगी है उसके आगे चले हैं, शरा फैसल से लाइन से शोरूम चलते जा रहे हैं ना, कहां तक जा रहे? खुदा का कॉलोनी तक। फिर उस तरफ अलग है जो इस्लामिक कॉलेज वाला रोड है, उसमें सैकड़ों शोरूम है, इधर आ जाए तो यहाँ भी सैकड़ों शोरूम है, बस तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। तो 20 लाख में सारे बाइक कराची की गाड़ियां खरीदू क्या? मैं लिमिटेड है ना, मैं एक ही लूंगा या दो ले लूंगा, कोई छोटे मॉडल की होगी गाड़ी दो आ जाएंगे, नहीं तो एक ही आएगी। अब मैं एक गाड़ी लेने के लिए सैकड़ों, क्या इन सारों के दरमियान आपस में कॉम्पिटिशन है? यहाँ क्या इन सारों के दरमियान आपस में कॉम्पिटिशन है? कॉम्पिटिशन है, लेकिन मसला क्या है? सबके पास गाड़ी अलग अलग मॉडल, हर गाड़ी के फीचर और करेक्टरिस्टिक एक दूसरे से अलग है। अच्छा सर, दो के पास तो सेम है, ऐसा हो सकता है 10 के पास भी सेम हो, जैसे मिसाल के तौर पे टोयोटा यारिस। अब 10 शोरूम में बिल्कुल नई गाड़ी खड़ी हुई, लेकिन कोई 10 किलोमीटर चली गई है, कोई 100 किलोमीटर चली गई है, कोई 50 किलोमीटर चली गई है, कोई 2000 किलोमीटर चली गई। अब कहीं ना कहीं कोई फर्क है, जो 10 किलोमीटर चली है उसने बोला भाई तुम कंपनी से उठाया और यहाँ ले रहे सीधा, तो बिल्कुल फ्रेश है। अब जो 2000 चली है इसने ली, अलग अलग गाड़ियां अलग अलग पैसे, क्यों भाई अलग अलग गाड़ी को गाड़ी होती है, पैसे एक क्यों नहीं? भाई गाड़ी का मॉडल अलग है, कलर अलग है, शेप अलग है, कंपैटिबिलिटी अलग है, कॉम्पिटिशन है, लेकिन चूंकि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंशिएटेड है मेरे प्रोडक्ट की प्राइस भी अलग है। बर्गर खाते अगर खाया आपने, बन कबाब खाए सस्ता वाला खाए, गली मोहल्ले में 50-60-100
भाई 50 रुपए का बन कबाब या बर्गर भी मिलता है शहर के अंदर, 500 रुपए का भी मिलता है और 1000 रुपए वाला भी मिलता है, और 2-2.5-3 हजार भी खाया जाए उसमें। ऐसा क्या हो जो बेच रहा है तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट करके दे रहा है, ये हमारे इसमें ये सॉस है, इसमें ये सॉस, इसमें थाई सॉस है, इसमें फिलिपिनो सॉस है, इसमें यू है चला तो खा रहा है, दे रहा है उसके पैसे। अब मैं ये शर्ट बाजार में लेके गया हूँ, बाजार में शर्ट 500 रुपए की भी है, 5000 की भी है, अकलमंद कौन है जो 500 की ले ले, जब भी उसके पास पैसे कम है इसलिए अकलमंद, इसलिए पैसे कम है। सर अकलमंद 500 वाला भी है, 5000 वाला भी, दोनों अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से ले रहे हैं ऑप्शन। तो मार्केट में डिफरेंट तरह का कॉम्पिटिशन, लेकिन आप सुनो मेरी, जहां प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है, जैसे मिसाल के तौर पर सर्दी हो रही थी, हमें स्वेटर मिल जाए, आपको लेंजर से भी मिलता है, ऑक्सफोर्ड से भी मिलता है, कैमरे से भी मिल जाएगा आपको, अलग अलग कंपनी के स्वेटर अवेलेबल है, सबके प्राइस भी अलग है, सबका डिजाइन फॉर्मेशन भी चूंकि अलग है प्रोडक्ट, इसलिए पैसे भी अलग है। वाजिब बात है, समझ में आती, मैं जितना अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करूंगा प्राइस चेंज करने की उतनी कैपेसिटी मेरे में डेवलप हो जाएगी, है ना? ऐसे ऐसे है ना, मैं अपने प्रोडक्ट को जितना चेंज करूं, जितना मॉडिफाई करूं, जितना अपग्रेड करूंगा, आई हैव अ कंट्रोल ऑन माय प्राइसेस। लेकिन अगर मैं अपने प्रोडक्ट को चेंज कर ही नहीं सकता तो फिर मैं क्या करूं? आप समझ रहे हैं? तो कॉम्पिटिशन के अंदर दो तरह की कमोडिटीज है, समझिएगा मेरी बात। जब मैं परफेक्ट की बात करूं, क्या लिखा? होमोजेनस प्रोडक्ट, होमोजेनस प्रोडक्ट किसको कहते हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट कहते हैं परफेक्टली आइडेंटिकल नेचर ऑफ कमोडिटी विद नो स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन। जैसे कहते हैं ना, जरा बराबर में फर्क नहीं, एक जैसी कमोडिटी, बिल्कुल एक जैसी, साइज में, शेप में, कलर में, इंपैक्ट। जैसे मैं साथ देता हूं, मैं आपके सामने समझते हूँ, मिल समझते हूँ, मिल घर में आटा आता है ना, घर में आटे की मिल से आटा आता है। मैं एक आपके इलाके के आटे की मिल से आटा लू और एक अपने इलाके की मिल से आटा लू और आपके हाथ में रखूंगा, इसे देखो बताओ, और आपको बताऊंगा कि कौन सा आकर आप पहचान पाएंगे। मैं 2 एप्पल लू, एक आपके इलाके से खरीदूंगा वहां और उसी क्वालिटी का एप्पल अपने इलाके से खरीदू और आपके हाथ में रख दो, बोलो पहचानो कौन सा आपको मैंने सुना चाहिए। दोनों एप्पल है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, दोनों एक जैसे ही, ये है होमोजेनस। हाँ, ये हो सकता है कि एक अच्छी क्वालिटी का एप्पल, अच्छा अगर क्वालिटी ऑफ एप्पल एक है तो प्राइस भी, जरा नोटिस करना, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल मिलता है PSO, शेल, टोटल, एस्कॉल, है ना, बाइको, ये है ना, सबका एक ही रेट है। देखिए पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट बजट 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 सर, कमोडिटी भी जैसे आप अपनी गाड़ी में PSO का पेट्रोल डालना तो ज्यादा चलती है, और PSO के साथ अगर किसी आप मिसाल के मेरी मैंने भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाए PSO से, अभी जाते हुए मैं शेल से डलवाऊ तो कुछ और हो जाएगा, गाड़ी में धमाका हो जाएगा, कुछ हो नहीं, कुछ नहीं होगा, गाड़ी चलती रही। वजह पेट्रोल की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं। आप बाजार से नया आटा खरीद के लाए, घर में आटा आता है ना, हर किसी के फ्लोर आटा आता है, उसको पुराने आटे में मिला दें, आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा नया पुराना। हाँ, लेकिन आप नए कपड़े लेकर आए तो आप समझ में आएगा, हाँ वो अलग है, कलर अलग, डिजाइन अलग, फॉर्मेट अलग, फॉर्मेशन अलग, स्टाइल अलग, वेंशन भी। तो ये होमोजेनस नेचर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की पहली कैरेक्टरिस्टिक perfectly identical, perfectly identical nature of commodity with no specific differentiation. दूसरा क्या लिखवाया था बोलो? large number of मैं लिखवा चुका हूं, सिर्फ रिपीट करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, फिजिकल पढ़ने की साइनर्जी अलग है, घर में बैठ के उनको बिल्कुल। So, large number of buyers and
सेलर्स, ठीक है। अच्छा, चूंकि ये होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी है, और ये कमोडिटी है कौन सी आप तो नोटिस करो, जब मैं होमोजेनस कमोडिटी की बात करूं, ये अभी कुछ लोग चश्मे लगाए हुए हैं, अब सारे लग रहे शर्ट सलवार कमीज का सब अलग है, ये होमोजेनस होमोजेनस। हर कंज्यूमर का टेस्ट अलग, उसकी परचेजिंग पावर अलग, उसके प्रेफरेंसेस अलग, उसकी चॉइस भी अलग, ऐसे ही है ना। लेकिन जब मैं होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करूं, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ये कहां अप्लाई होता है, ये समझ ये अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। मैंने क्या मिसालें दी थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये मुमकिन नहीं है कि हम सबके पास आईफोन, ये भी मुमकिन नहीं है कि हम सबके गाड़ी घर में गाड़ी सुजुकी टोयोटा या होंडा की, ये भी मुमकिन नहीं है कि हम सबके घर में गाड़ी हो, ये भी मुमकिन नहीं है कि हम सबके घर में बाइक हो, लेकिन ये मुमकिन है कि कहीं ना कहीं हम रोजाना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हम सारे ही पेट्रोल कंज्यूम करते हैं। सर हमारे घर में तो गाड़ी भी हम तो नहीं करते, पर खुद नहीं करते, किसी बस में, ट्रक में, रिक्शा में, मोटरसाइकिल में, ऊबर में, करीब में तो जाते हो, उसमें तो होता है, पैसे तो तुम ही भरते हो। जो पैदल जाता है उसकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा, वो कुछ और देगा, वो कुछ और देगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये पैदल जाता है, अब ये पैदल है, ठीक है, अब ये पैदल है, तो अब ये पैदल पैदल जा रहा है, लेकिन आटा इसके घर में भी आता है और उनके घर में भी आता है, तो पैदल से नहीं। अब जो पैदल है ये, इस पैदल के घर में भी आटा आता है, मेरे घर में भी आटा आता है, और आपके घर में भी आटा आता है, कोई फर्क है उसमें? इस पैदल के घर में भी जो है वो आता होगा, क्या कहते हैं, सॉल्ट, मेरे घर में भी आता, पैदल इसके ग्रुप प्रोडक्ट सेम, इसके घर में भी फ्रूट आता होगा, मेरे घर में भी फ्रूट आता है, ये हो सकता है। अगर ये अमीर है तो अच्छी क्वालिटी का लेगा, मैं गरीब लेकिन आता है, लेकिन हम दोनों अगर एक ही इनकम ग्रुप के हैं, इस पैदल के घर में ले आकर ला रहा है, वो मेरे घर में भी आ रहा है, हमारे में ऐसा है नहीं है सर, ये है होमोजेनस। अच्छा, ये चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर की कमोडिटी है, तो क्या बोलिए, क्योंकि ये होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी से डील करता है, तो ये यूजुअली अप्लाई होता है किस पे, जरा सुनना, ये अप्लाई होता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आप कोई डिफरेंस नहीं कर सकते। आप देखें, आपके इलाके में कोई ऐसी जगह हो जो कमर्शियल एरिया है, जहाँ सब्जी वाले या फ्रूट वाले खड़े हो, हरी सब्जी एक जैसी होती है भाई, ये हो सकता है कि क्वालिटी अच्छी बुरी हो, जैसे प्याज है, भाई 11 रुपए किलो दे रहे हो, भाई ये प्याज जो है ये 80 रुपए किलो, ये 50 रुपए, क्यों भाई, ये साफ है, अच्छी है क्वालिटी इसकी, ये थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड है तो सस्ती है, आप देख ले इसमें से ले लें, इसमें से ले, ये तो हो सकता है, लेकिन प्याज प्याज में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं। अगर मैं एक ही क्वालिटी के दो प्याज उठा के आपके हाथ में रखूं, तो आपसे कोई फर्क ना टेस्ट में फर्क होगा, ना फ्रेग्रेंस में फर्क होगा, ना फॉर्मेट में फर्क होगा। हाँ, अगर फर्क है तो रेट अलग है, अगर दो रेडी वाले खड़े हैं और एक जैसा फ्रूट बेच रहे हैं, तुम बताओ उन दोनों के रेट में फर्क हो सकता है, अगर होगा तो किससे खरीदोगे? देखिए, पूरे कराची में सीएनजी का रेट, पेट्रोल का रेट एक, वजह बोलो, होमोजेनस नेचर ऑफ कमोडिटी। पूरे कराची में सुनना मिल रहा, पूरे कराची में जो मिल्क मिलता है लूज मिल्क, उसका रेट 120 रुपए लीटर। कोई सस्ता करके बेच रहा है, मतलब क्वालिटी उसमें कुछ गड़बड़ी कर रहा है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो सर, चूंकि ये एग्रीकल्चरल कमोडिटी से डील करती है, तो ये फिर अगला करेक्टरिस्टिक क्या लिखवाया है, परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज से मुराद क्या, परफेक्ट नॉलेज से मुराद यह है कि यू आर परफेक्टली अवेयर अबाउट द मार्केट कंडीशन, यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कमोडिटी। अगर कोई आपको दुकानदार बोलेगा दूध 100-300 रुपया, आप फौरन चॉकलेट ले लेंगे, क्या आपकी तबीयत ठीक है, 120 है, इस खुशी में 130, हम तो बेचेंगे 120, बात सुनो हम कहीं और से ले लेंगे, हम क्यों दें आपको 120 रुपये, तो नहीं देंगे 130 रुपये। सबसे कोई सीएनजी पंप वाला महंगा बेचे, कोई है चार्ज को लेगा, नहीं लेगा,
किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल महंगा मिले कोई लेगा? कोई नहीं भाई, सिर्फ परफेक्ट नॉलेज, क्या क्वांटिटी मिल रही है, क्या क्वालिटी मिल रही है, किस रेट पे मिल रही है, यू कैन नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द कमोडिटी। देखो सुनो, आपने पॉलिथीन बैग में, आप पॉलिथीन बैग के अंदर मिल्क लेकर आके, 1 लीटर मिल्क गया और यही 1 लीटर मिल्क आपने ऑलपर्स का या नेस्ले का ले लिया, क्या फर्क है दोनों में? फर्क है। आप दोनों को पी के देखे, दोनों के टेस्ट में फर्क है। तो ऐसी चीजें सारे पी है। आप ये वाला दूध पियेंगे, इसका टेस्ट अलग होता है, इसका टेस्ट अलग। पहले तो हमारे घरों में, किसी के घर में भी ये नहीं आता था, ये था ही नहीं हमारी इकोनॉमी में, कौन सा दूध आता था? अब आ गया ये, पहले तो यही आता था सबके घरों में, आज से 10-15-20 साल में ये था ही नहीं, तो कहां से आएगा? ये आए 15 साल पहले, 15 साल से पहले ये था ही नहीं, तो खरीदेगा कोई? ना हाँ, कोई दुबई गया, यूएसए गया, कनाडा गया, वहां मिलते कंटेनर में, डब्बों में, वरना तो हमारा कल्चर क्या था? आप लोगों ने ध्यान देखिए, हमें अच्छी तरह याद है, हम अपने दादा के साथ जाते थे मिल के, घर से बर्तन लेके जाते थे, घर से एक बर्तन होता था, अब पूछना अपने अम्मा से, पूछना अम्मा से, पूछना पहले दूध कैसे आ रहा, घर के बर्तन या तो वो देके जाता था, या घर के बर्तन होते थे वो स्टील का एक छोटा सा, वो छोटी सी वो होती थी 2-2.5-3 लीटर की, उसमें दूध आता था। थैली का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, थैलियां इस्तेमाल होती ना, होती थी चीजें, पानी की बोतल प्लास्टिक की बोतलों में नहीं होता, शीशे की बोतल होती नहीं पहले, अभी तो ज्यादा बीमार हो रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल ज्यादा कर। तो सर परफेक्ट नॉलेज होगी। अच्छा, अब ये दूध आपने लिया ना, उसने शॉपिंग बैग लिया, आपके सामने कंटेनर में 1 लीटर का गेज भरा और खाली कर, गवर्नमेंट बांधी आपको दे दिया, कभी मिल्क पैक पे देखा है कितना दूध है? ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा, कभी होगा, आप नापे कभी? कभी नहीं नापे। अच्छा, वो क्या मिला रहे? अगर ये प्योर है तो ये प्योर है, असली दूध ये है, ये है असली, तो ये है, वो करते क्या है इसके साथ जो ये टेस्ट बदल जाता है? वो प्रोसेस करते हैं इसको, इसमें से क्रीम अलग, क्रीम किससे निकलती है? दूध से निकलती है। वो क्या करते हैं, क्रीम बाहर निकालते हैं तो दूध एकदम पतला हो जाता है, फिर वो क्या करते हैं उसमें एडिटिव डालते हैं, कोई फॉर्मूला होगा उनका, कोई केमिकल्स डालते होंगे जिससे दूध में कंडेंसिटी आती है, दूध हो जाता है। आप देखिए दूध गाढ़ा होता है इसके मुकाबले, इसमें बलाई नहीं जमेगी कभी, इसमें जमेगी, आप इसको बॉइल करें बलाई नहीं आती, बलाई होती ना दूध के अंदर, इसमें बलाई नहीं आएगी, इसमें लेयर आ जाएगी, जैसे चाय के ऊपर आती है, इसमें लेयर आएगी, इसमें बलाई आएगी, आप इसको बॉइल करते ये बलाई में कन्वर्ट होगा, वजह इसमें क्रीम होगी, इसमें क्रीम, वो क्रीम निकाल के अलग से बेचते, फिर मिल्क में कुछ मिलाकर आपको हम दे अलग से बेचते, मेरे घर में भी आता, लेकिन ये प्योर नहीं होता। इसकी नॉलेज परफेक्ट है, इसकी नॉलेज क्योंकि आपने प्रोडक्ट को पैक कर दिया, आपने जैसे ही प्रोडक्ट को पैक किया वो कंज्यूमर से दूर प्रोड्यूसर के करीब आ गया, अब प्रोड्यूसर जो चाहे उसके अंदर कर सकता है, आप समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? तो सर चूंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स परफेक्ट नॉलेज के साथ उसको एक्सचेंज कर रहे हैं होमोजेनस को, यहां का जो सेलर है वो है प्राइस, क्या है, क्या मतलब सर प्राइस टेकर? ये प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज यहां का सेलर नहीं कर सकता, दे आर चार्जिंग सेम प्राइसेस फॉर द सेम कमोडिटी। प्राइस कहां से तय होगी? या तो मार्केट तय करेगी डिमांड सप्लाई, या फिर गवर्नमेंट तय करेगी। देखो तुमने नोटिस किया, ये मिल्क वाले जब अपना रेट बढ़ाते हैं तो कमिश्नर कराची एक्शन लेते हैं इनके खिलाफ। पेट्रोल की प्राइसेस कौन तय करता है? शेल, पीएसओ, गवर्नमेंट। रोजाना गोश्त आता है मेरे और आपके घर, गोश्त आता है आपके घर में, गोश्त का रेट कौन तय करता है? गवर्नमेंट। सब्जियों फ्रूट के रेट, हमारे मुल्क में तो कानून है ही नहीं, कानून की इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं, वरना रोजाना कमिश्नर कराची गया, सब्जी मंडी गया, आपको वहां पर रेट लिस्ट मिलेगी, आज टमाटर 1 रुपए किलो बिकेगा, प्याज 1 रुपए किलो, रोज रेट लिस्ट निकलती, फॉलो जैसे मैं आप रोड पे सिग्नल तोड़ते, इस तरह हर रेडी वाला, हर दुकान वाला कानून तोड़ता,
जैसे मैं और आप रोड पे कचरा फेंकते हैं, ठीक इसी तरीके से हम लोग कानून को ओबे करते हैं। हम कानून ओबे करने वाली फॉर्म नहीं है, हम कानून को डिसओबे करने वाली फॉर्म। जहां देखा होगा कचरा मत फेंके, वहां सबसे ज्यादा कचरा पड़ा होगा। जहां देखा होगा हॉर्न ना बजाए, वहां सबसे ज्यादा हॉर्न बजाए। तो सर ये प्राइस देखा है, दे आर चार्जिंग सेम प्राइजेस फॉर द सेम प्रमाण। या तो प्राइस गवर्नमेंट तय करके दे देगी, या मार्केट खुद तय करेगी यहाँ का सेलर प्रोडक्ट की प्राइस को चेंज। जैसे देखो मिल्क पैक महंगा, पल्पर सस्ता, वजह मेरा प्रोडक्ट मेरा ब्रांड में अपनी मर्जी से बेचो यार, क्यों बेच रहा है 500 रुपए का पल्पर? आपको खाना है खाओ, नहीं खाना भाई आगे जाओ। ये हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट है, हम क्वालिटी दे रहे, वैल्यू दे रहे, उसके पैसे चार्ज कर। अब क्या मुश्किल? अब सलवार कमीज मिलता है बाजार में, सलवार कमीज 1000 रुपए का भी मिलता है, 10,000 का भी मिलता है, 1,00,000 रुपए का सलवार कमीज मिलता है कराची के अंदर। क्या बोल रहे सर? हाँ क्यों ले रहे? जो लोग 1,00,000 का ले रहे वो पागल है, पागल नहीं है भाई, वो अपन बन जाता है, उनके पैसे हमसे ज्यादा है। मेरे पास गाड़ी नहीं, मेरे पास गाड़ी है उसकी वैल्यू 5,00,000, मेरे अब्बा के पास गाड़ी है उसकी वैल्यू 18,00,000। अकलमंद मेरे अब्बा है या मैं हूँ? भाई मेरे अब्बा अकलमंद है, पैसे उनके पास ज्यादा है, अकल उनके पास ज्यादा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा? तो जो महंगी चीज ले रहा है वो बेवकूफ थोड़ी ना हो गया, उसके पास अकल है, तभी तो पैसे कमाए उसने। अच्छा क्यों दे रहा है ज्यादा पैसे? डेफिनेटली यार क्वालिटी के पैसे दे रहा है, कॉम्पैटिबिलिटी के पैसे दे रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट है इसलिए ज्यादा दे रहा। अब यहां से कोई वैसे किस महीने में जा रहा हूं तो क्या हो गया है? तो चार ही पहिए तुम्हारे अंदर, ये मर्सिडीज है तुम बोल रहे हो? आओ आप चलो यहाँ से गाड़ी चला के आप भी आगे जाओगे लिबर्टी चौक तक, मैं भी वहीं तक पहुंच जाऊंगा। आप भी गाड़ी बैठे, मैं भी गाड़ी बैठा, यार कोई फर्क नहीं है क्या? मैं अपनी जेब से फोन निकालू सस्ता वाला, या अपनी मैं भी अपनी जेब से यहाँ फोन निकाल के रखू और आईफोन का लेटेस्ट मॉडल हो। अमीर पार्टी सर स्टेटस क्यों दे रहे लोग भाई इतने लाखों रुपए इस प्रोडक्ट? ऐसे तो नहीं दे रहे, चूंकि प्रोडक्ट होमोजेनियस है सेलर मजबूर है। सेलर क्या है? प्राइस। अच्छा गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, वजह मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। वजह क्यों? वजह बोलो। वजह बोलिए, वजह इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं। कंज्यूमर को हर चीज पता है प्रोडक्ट के बारे में, लार्ज नंबर ऑफ सेलर है, तो इतना टफ कंपटीशन है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं। हाँ अगर ये सेलर मिलके कुछ गड़बड़ करेंगे मार्केट में तो फिर गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसे स्टेबल करे। लेकिन तुम नोटिस करो, तुम एक बिस्किट खरीद के खाओ किसी भी कंपनी का, 5 रुपए का बिस्किट खरीदो पीक फिलिंग्स का खाओ, जरा रैपर पे पढ़ना कितनी लिखी हुई होती, न्यूट्रिशन वैल्यूज, फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा वो ऐसे नहीं लिख देते वो लोग, उसको बताओ एक एक बिस्किट को ले जाते हैं लैब में, लैब में टेस्ट होता है। आपको पता है आप एक बिस्किट बनाए रजिस्टर्ड कंपनी, बिस्किट एक बिस्किट टेस्ट करने के लिए आपसे 1,000 रुपए की फीस लेंगे, वो झूठ नहीं बोलता आपसे, एक एक चीज निकाल के देंगे इस बिस्किट के अंदर इतना फैट, इतनी कैलोरीज, इतना प्रोटीन, इतना, उसे कहलाती है न्यूट्रिशन वैल्यूज। अगर एक बिस्किट में इतना है तो 3 बिस्किट हम दे रहे हैं एक पैकेट में, कितने होंगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, डस्टबिन का निशान बनाओ, टैक्स के बारे में लिखो, इंग्रेडिएंट्स लिखो, सारी चीजें पैकेट के ऊपर लिखी होती है। तो तुम यूं करके खोलते हो बिस्किट, ढक करके उंगड़ा रहे रेफ्रिजरेटर ये फेंका था, ऐसे करते ना मैं और आप बीइंग अ पाकिस्तानी अवान भाई, अगर तुम क्या हो फिर क्या हो भाई, कैसा कचरा फेंक रहा है भाई, कचरा हम कहेंगे नहीं तो और बाहर से आप देंगे।
वो एक बिस्किट बनाने में 5 रुपए का बिस्किट यार, जिसके रैपर शायद कोई पढ़ता भी नहीं होगा, वो फेंक देते हैं बिस्किट खाने के बाद, उस बिस्किट के रैपर पे कितनी कहानी। वजह, आपने अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया, हेटरोजेनस किया। जैसे ही आपने प्रोडक्ट को पैक किया, अब मेरे को डालें एक मिनट, क्या दे रहे हो मेरे कंज्यूमर को बताओ, क्या खिला रहे हो हमारे मुल्क के लोगों को। जी खिला रहे बिस्किट, क्या है इसमें, ये चीज कहां से टेस्ट कराया, फला लैब से, रिपोर्ट दिखाओ बच्चे, अब बेचो, आप बेचो, वेट लिखो, क्वालिटी लिखो, क्वांटिटी लिखो, टैक्स के बारे में बताओ, डस्टबिन का निशान बताओ, इंग्रेडिएंट लिखो, न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या बेचना चाह रहा भाई, जुल्म किया कोई, एक 5 रुपए का बिस्किट और इतनी कहानी लिखवा दी मुझसे। तो सर जहां आपने अपने प्रोडक्ट को, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम, तो जैसे ही आप अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बढ़ जाएगी, आप प्राइस टेकर से प्राइस मेकर हो जाएंगे, मार्केट की नॉलेज परफेक्ट से इम्परफेक्ट हो जाएगी, और हेटेरोजेनेसिटी की वजह से लार्ज से नंबर ऑफ बायर और सेलर स्मॉल हो। कौन सी गाड़ी पसंद है आप, होंडा, होंडा, होंडा कंपनी का नाम बोलो, होंडा की 7 पसंद है आपको, कौन सी, सुजुकी ऑल्टो पसंद, छोटी गाड़ी पसंद है आप बोले भाई, होंडा, किया, छोटे, मुझसे पूछे पर जैगवार खरीद नहीं सकता हूं, पसंद करने में क्या है, महंगी गाड़ी हो, जर्मनी की गाड़ी मुझे पसंद है, बॉश पसंद है, ऑडी पसंद है, लेम्बोर्गिनी पसंद है, क्यों पसंद है सर आपको ऑडी, बॉश, जैगुआर, मेरा टेस्ट अलग है, आपका टेस्ट अलग है। ऐसे कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना हो, कहाँ खाओगे, बर्गर है ना, ये बर्गर को ब्लॉक देंगे हम, देसी आदमी, हम जाएंगे हाईवे, कढ़ाई, ये वो भाई, फुल दबा, ये क्या है, टेस्ट अलग अलग है, टेस्ट अलग तो पैसे भी, तो हम ग्रुप्स में बढ़ गए, किसी के पास एप्पल का फोन, किसी ने बोला मैं एप्पल, मेरी समझ में नहीं आता भाई, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे घर में सबके पास एप्पल है, मेरे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों नहीं आता, हालांकि मैं शुरू में ब्लैकबेरी के फोन चलाता था, वो जो होता था इसमें पॉप अप पुशअप होता था, मेल आती थी, मैं शुरू से ब्लैकबेरी चलाता था, बड़ा टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड फोन था, इसीलिए हो गया, आपने तो हमें, मुझसे नहीं चलता, पता नहीं, मेरी अम्मी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बेगम, सबके पास आकर, मेरे मुझसे नहीं चलता, मेरे नहीं समझ में आता, मेरा टेस्ट अलग है शायद, मेरे लिए उसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, उन्होंने दिखाया फिर तो मैंने दिखाया, मेरे लिए मैं जूते लेता हूँ, लेते हैं एग्जाम्पल बाटा से, आप लेते हो हर्ष पबी से, मुझे बाटा से, जब टेस्ट कंज्यूमर बढ़ गया, अरे जो आप यहाँ जितने बैठे हैं, क्या कराची में इतने इंटर के बच्चे हैं, किसी ने कहीं लिया, किसी ने कहीं लिया, आप नहीं, हाँ सबका टेस्ट, सबकी प्रेफरेंसेस, सबकी परचेजिंग पावर हेटरोजेनस। अब यहां ऐसा होने की वजह से फ्री एंट्री और एग्जिट है, कोई भी कंपनी चाहे आ जाए, कोई भी सेलर आ जाए, कोई भी सेलर मार्केट से चला जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ परफेक्ट कंपटीशन की रेवेन्यू क्या है, आइए पहले जरा मैं रेवेन्यू के हेड्स लिखवा दूं, रेवेन्यू किस किस तरीके से आएगी आपके सामने, 3 हेड्स बनेगी रेवेन्यू के, एक बना टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है। अच्छा कल हो सकता है आपकी एक्सपर्ट क्लास हो, आपकी होगी, तो हो सकता है आपकी छुट्टी कल 8 बजे हो, तो घर पे बता दे, और ज्यादा देर के लिए रुकिए, जैसे आप अगर कुछ खाने कैंटीन आजकल वाले कुछ खाने वाने का लेके आने से, तो खाने का ठीक है, लेकिन दूर दूर सेपरेट होगी खाने,
मेरे लिए कुछ लाना चाहिए, सैंडविच बना लो, पास्ता बना लो, केक बना लेना, सब खा लो आपको मसला। तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलती है? इन दोनों ने तो आज तक कुछ नहीं खिलाया। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगी भाई, जल्दी बोलो। सर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइस उसको मल्टीप्लाई करा देंगे क्वांटिटी, बोलो भाई बोलो, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे क्वांटिटी सोल्ड। अबे हाँ भाई, अमान के यहाँ जाना है भाई, ऐसा ना हो तो बंदा दरबार में हमारे घर में गैस की आई है। एक काम करेंगे, इसको बिठाएंगे, पहले आ रहे हैं थोड़ी देर में बात करेंगे। और तू मेरा टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगी सर? प्राइस इनटू क्वांटिटी। जैसे मैं साथ में था कि कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें सर, ये मार्कर लिया, 75 रुपए की प्राइस है, 10 यूनिट बेचूंगा, बताओ मेरी टोटल रेवेन्यू क्या होगी? ये टोटल रेवेन्यू आ गई। उसके बाद क्या आएगा, अगला फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू किसे कहते हैं सर? एक यूनिट से कितना कमा रहे हैं, है ना, एक यूनिट से कितना कमा रहे हैं सर? फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड कर लोगे। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। अभी समझा रहा हूं इलस्ट्रेशन देके। चेंज इन पीआर स्टैंड फॉर टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। हम उसके बैठिए, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी सोल्ड। अब जरा एक इलस्ट्रेशन देखना। सपोज करिए प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपए पर यूनिट, क्वांटिटी सोल्ड पच्चीस यूनिट। जरा पहला फॉर्मूला अप्लाई करके बताओ रेवेन्यू क्या क्या स्टाइल है भाई का, स्टाइल नहीं, आप मैच नहीं कर पा रही है, सॉरी टी है सर। ये प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो, जरा ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करो तो बताओ जवाब क्या आएगा, बोलो जल्दी बोलो, सब जवाब दें सर। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगी, प्राइस क्या है, जल्दी बोलो प्राइस क्या है? 100 रुपए क्वांटिटी कितनी बेच रहे हैं, जल्दी बोलिए। 25 यूनिट मल्टीप्लाई करो, क्या जवाब आएगा? यही आ रहा है, बोलो भाई, 2500 आ रहा है, ऐसे ही है। अब जरा इसका एवरेज निकालो, एवरेज निकालो, बताओ टोटल रेवेन्यू कितनी आ गई थी, बताओ कितने यूनिट बेच रहे हो, बताओ क्या निकल कर आएगा वैल्यू, कर लोगे फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, मुश्किल तो नहीं है। अब सुनो भाई, ये देखो, ये मिटा दिया सर ने फॉर्मूले में वैल्यू, खुद डालेंगे। इधर देखो बोर्ड पे देखो, मैंने कहा कि मेरे क्वांटिटी सोल्ड में चेंज आ गया, चेंज ये तो निशान इस वक्त आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ट्राइंगल, इसे डेल्टा कहते हैं, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज। मैंने कहा कि मेरी क्वांटिटी सोल्ड चेंज हो गई, पहले 25 यूनिट बेच रहा था, अब
सात यूनिट का चेंज आया है, कितने यूनिट का चेंज आया है? सात। बताओ मैं अब कितने यूनिट बेच रहा होऊंगा, जल्दी बोलो। पहले 25 यूनिट बेच रहा था, अब मजीद 7 यूनिट और बेच रहा हूं, तो कितने यूनिट बेच रहा होऊंगा? बोलो भाई, बोलो। 32 यूनिट ट्रेड कर रहे हैं। अग्री अग्री, बताओ यूनिट्स में चेंज कितने का आया है? सुन रहे हो मेरी बात? आ जाओ जरा जरा बताना, मेरी टोटल रेवेन्यू अब क्या होगी? कैसे निकलेगा? 32 कहां से होगी सर? 100 रुपए की प्राइस है, 32 यूनिट बेच रहा हूं, कैसे निकलेगी टोटल रेवेन्यू? प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी सोल्ड से, ऐसे ही है। बोलो प्राइस क्या है? 100 रुपए। पहले कितने यूनिट बेच रहा था, अब कितने बेच रहा हूं? मल्टीप्लाई में किससे कर दोगे? कितना आ रहा है जल्दी बोलो, ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। पहले मेरी रेवेन्यू कितनी थी जब मैं कितने यूनिट बेच रहा था, अब मेरी रेवेन्यू कितनी है, अब मैं कितने यूनिट बेच रहा हूं? देखो, नहीं दोबारा बोलो, नहीं समझ में आया दोबारा बोलू? नहीं आया समझ में? पक्का बताओ क्या समझ में? सौ रुपए का एक यूनिट था, 25 यूनिट बेच रहे थे, 2500 रुपीज का रेवेन्यू। फिर हमारे मजीद 7 यूनिट और बिक गए, इसका मतलब अब हम कितने यूनिट बेच रहे हैं, किस रेट पर बेच रहे हैं, कितना कमा रहे हैं? ठीक हो गया। बताओ टोटल रेवेन्यू में चेंज कितने का है? पहले कितना बेच रहा था उसे बोलो, अब कितने बेच रहा हूं? रेवेन्यू में चेंज कितने का आया है? बोलो सर। 700 रुपए का चेंज आया है। क्या आ गया ये चेंज इन टोटल रेवेन्यू? अग्री। पहले कितने यूनिट बेच रहा था, अब कितने बेच रहा हूं? कितने का चेंज आया है? डिवाइडेड बाय 7। जवाब क्या आएगा? ये क्या निकल कर आ गई? क्लियर क्लियर। फॉर्मूले में अप्लाई कर लोगे? कर लोगे फॉर्मूले में अप्लाई? देखें अभी टाइम कितना रह गया, बोलो। नमस्कार।